हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एक्सपर्ट अरीबा। मैं अरीबा आज आप लोगों को जॉय का प्योर एलोवेरा मल्टी बेनिफिट स्किन क्रीम के बारे में बताऊं। एक्टिव इसमें है एक्टिव सिक्स, जी हाँ, ये विथ नेचुरल मॉइस्चराइजेशन एंड स्किन प्रोटेक्शन एक्टिव 15 ml का पैक है। इससे पहले ये बताऊँ, अभी तक ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमेशा मेरे आने वाले न्यू वीडियो से अपडेट रहेंगे, साथ में बेल का आइकन दबाएं जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाए। हे गाइस, चलिए आप शुरू करते हैं। तो ये एलोवेरा है मल्टी बेनिफिट्स स्किन क्रीम है। जी हाँ, ये एलोवेरा एक क्रीम है जॉय की। इससे पहले मैंने जॉय की एक्टिव वाली एप्पल वाली भी मॉइस्चराइजेशन का वीडियो कर बना रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से उसकी वीडियो देख सकते हैं। ये छोटा सा टिनी स्मॉल पैक है जो कि मैंने फिलहाल के लिए अपनी सिस्टर को ट्राई के लिए दिया था कि इसका मॉइस्चराइजेशन कैसा है वो देखे और मुझे बताएं। फिर मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा, कुछ जाना और कुछ अपनी अपनी एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। प्योर एलोवेरा जेल है और ये क्रीम मेड इन इंडिया बाय रजिस्ट्रेशन हैंड्स प्राइवेट लिमिटेड की है। इंडिया एरो कोता एड्रेस हो गया, कस्टमर केयर जैसा कि ये प्राइस मैंने 10 रुपये की है। ये 15 ml का पैक है और यूज़ बिफोर 36 मंथ फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग डेट। इसकी सेल्फ लाइफ लॉन्ग लास्टिंग होती है, आप इसका बड़ा पैक यूज़ करें। अब मैं बात करूँगी इसकी मॉइस्चराइजेशन की। ये देता है कि ये एज अ मसाज क्रीम भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे पार्लर में इसका मसाज के जैसा इस्तेमाल होता है। जी हाँ, छोटे मोटे जो पार्लर होते हैं उसमें इसका मसाज जैसा इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, वो सही है। चाहे तो आप घर में भी इसका अच्छा सा एक लेप बना के पैक की तरह लगा सकते हैं, जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ। ये अच्छा मॉइस्चराइजर और एलोवेरा युक्त जो चीज़ होती है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इस तरह की पैकेजिंग है, पैकेजिंग इसकी बहुत सेफ होती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देख रहे हैं कि एलोवेरा जेल इस तरह से है। अब मैं इसका थोड़ा सा अपने टेक्सचर दिखा रही हूँ, देख रही है, क्रीमी हल्की सी ग्रीन टाइप की इसकी टेक्सचर है। स्मेल इसकी बहुत अच्छी है। इस तरह से स्किन पे अप्लाई करिए, बहुत ही स्मूथ लग रहा है। मेरी स्किन यहाँ की बहुत ही स्मूथ ही फील हो रही है मुझे। हे गाइस, तो देख रहे हैं यहाँ पे स्किन पे अप्लाई हो गया है। अगर आप ये फेस पे लगाएंगे तो फेस में थोड़ा सा आपने ब्लैकनेस नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जैसे हैंड पे ही लगती है तो हैंड पे ऑयल नहीं होता है। याद रखिए कि हैंड ऑयल नहीं छोड़ता है, तो इसलिए हैंड पे ये क्रीम लग रही है तो इसका कलर कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। पर जैसे ही आप इसको फेस पे अप्लाई करेंगे ना तो आपकी फेस पे थोड़ा सा कालापन आ जाता है। जी हाँ, कालापन होने लगे क्योंकि फेस ऑयल छोड़ता है। और एक ऐसा मॉइस्चराइजेशन लेने से जो ऑयली होता है तो उससे स्किन आपकी और थोड़ी सी डार्क पड़ने लगती है। बहुत बड़ा फैक्ट है मॉइस्चराइजेशन की बात की जाए तो मॉइस्चराइजर से। अब मैं इसको आपको लगाने का एक तरीका बताऊंगी कि आपने लेना है इसे हाफ टी स्पून निकालना है, फिर आपने लेना है एक मसाज क्रीम, मैं बता दे रही हूँ विंटर के लिए ऑल स्किन के लिए। फिर आपने लेना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, जैसा कि मैंने बताया, एक विटामिन ई की कैप्सूल। और उसके बाद आपने लेना है एक ड्रॉप हनी। और उसके और फिर आपने लेना है 2 से 3 ड्रॉप ऑफ जिसे बोलते हैं कच्चा दूध, रॉ मिल्क, वो लेना है। मिक्स इट वेल एकदम अच्छे से और फिर उसको मसाज करने अपना 15 मिनट मसाज करना है। और जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो लोग हनी को अवॉइड कर देंगे और 2 ड्रॉप आप लेमन जूस ऐड करेंगे। और उसके बाद अपने इस पैक को अप्लाई करें, मसाज करें आप 15 मिनट के लिए डेली, चाहे शुरुआत में करें फिर अपने आपने इसे अल्टरनेटिव टाइप लगाना है, जैसे 1 डे लगाएं, 2 डे लगाएं, 3 दिन बाद छोड़ दें, फिर 4 दिन ऐसे करें, इस तरह से आपने करना है। तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अपने आपकी स्किन ठंडे में मॉइस्चराइज भी रहेगी। और ये अच्छा मॉइस्चराइजर है विथ एलोवेरा वाली, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी अच्छी है। ये नो पैराबिन एंड मिनरल ऑयल फ्री है, नो सिलिकॉन वगैरह इसमें, तो इसलिए टेंशन ना लें, आप इसको ईजी यूज़ करें, ये अच्छा रिजल्ट देगा। हे गाइस, ये वीडियो मेरा अच्छा लगे, ये क्रीम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं अपने हाफ एन आवर में आंसर करूंगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।